दोस्तों, ये है भानगढ़ फोर्ट। ये वो कुछ शॉप हैं जो पत्थर के गिरने से टूट गई थी। मार्केट हुआ करता था कभी ये यहाँ पे। देखिए, ये ऊपर आप दिख रहे हैं पहाड़ी पर एक टेकरी टाइप कुछ बनी हुई छतरी। ये उस तांत्रिक की छतरी थी जो जिसने यहाँ पर ये सब तबाही मचाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ की पूरी जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये पूरा मार्केट है जो कभी यहाँ पर आबाद हुआ करता था, और एक श्राप और रानी की सुंदरता इसको ले डूबी। अब देखिए आप ठीक से, यही वो तांत्रिक की छतरी है। एक सुंदरता इस भानगढ़ को ले डूबी। देखिए दोस्तों, जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ बंदर बैठे हैं आगे, बहुत सुंदर। ये कुछ लोग, पब्लिक आ रही है, थोड़ा रश कम है, अभी सुबह का टाइम है। अब हम भानगढ़ में प्रवेश करने वाले हैं। आपको दिखेगा यहाँ से घुसते ही भानगढ़ की मेन बिल्डिंग। देखिए, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। ये है मुख्य फोर्ट भानगढ़। इस छतरी तक जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। शायद पहाड़ चढ़ के ही जाता होगा, या फिर उड़कर, तांत्रिक जो था। दोस्तों, क्या ये आपको डरावना लग रहा है? अभी तो नहीं, हो सकता है रात में लगता होगा। ये मेन गेट है, मेन घर के अंदर जाने का। नाइस नाइस, इट्स वेरी नाइस। ये देखिए, आपको सामने किला नजर आ रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या है। फ्रेंड्स, एंजॉय द नेचर। देखो आप, खजूर के पेड़ हैं, नीचे हनुमान जी का मंदिर है, और बहुत सुंदर जगह है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छी है, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आइए, आपको अंदर लेकर चलते हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। आपको मेरी सांसें बता रही होंगी कि इस पर चढ़ना आसान नहीं है। पर ठीक है, वो घड़ी क्या जिसको चढ़ते हुए सांस ना चढ़े। देखिए अब कितना सुंदर है ना।
अब हम मुख्य किले में दाखिल हो रहे हैं। शायद यहाँ चमगादड़ है, नीचे काफी गंदगी पड़ी है उनकी। ये देखिए कुछ दोस्त ऊपर से वेव कर रहे हैं, इंजॉय करने आए हैं, अच्छे लोग हैं। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ कुछ काम चल रहा है और चमगादड़ों की बहुत आवाज आ रही है। चमगादड़ है क्या अंदर इतने? बहुत आवाज आ रही है इनकी तो। ये देखिए दोस्तों, कुछ चमगादड़ आपको दीवार पे दिख रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत है भाई, और ये है उनका वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर ये पत्थर नीचे आ जाए तो आज भी यहाँ तबाही से कम नहीं होगी। आज भी तबाही हो सकती है यहाँ पे। देखिए यहाँ अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं, उन पुरानी यादों की जो कभी गुलजार हुआ करती थी। देखिए आप, देखकर लगता नहीं कि ये कभी किसी के रहने की जगह हुआ करती थी। कोई राजा महाराजा यहाँ कभी रहा करते थे। आज ये पूरा टूट फूट चुका है, लेकिन इसकी अपनी एक लेगेसी है और इट्स मेस्मराइजिंग। आइए बढ़ते हैं ऊपर वाले हिस्से की ओर, जो हमें सीधा यहाँ से टॉप पर लेके जाएगा, भानगढ़ के टॉप पर। आज ये विरासत खंडर हो चुकी है, पर देखिए आप, इट्स नॉट सो हॉरर बट काइंड ऑफ हॉरर, काइंड ऑफ। लेट मी शो यू अ रूम वेयर सम हिडन प्लेसेस एट देयर, यस, एंड एवरीवेयर बैट्स, बैट्स आर एवरीवेयर एंड देयर शिट्स, दीज थिंग्स आर ऑल ओवर द भानगढ़। चलिए सबसे ऊपर चलते हैं, ये लास्ट स्टेप है। अब इसके बाद गढ़ पे अब कुछ नहीं है, लास्ट है अब ये। वो देखिए हम वहाँ से आए हैं, वो आपको उंगली दिख रही होगी, देखिए वहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। एक यहाँ का आप 360 व्यू लीजिए, देखिए पूरा भानगढ़ यहाँ से लगभग ये फोर्ट तो समाप्त ही है। ये वही तांत्रिक की छपरी टपरी, जो भी कहा जाए, टपरी।
और ये दिस इज़ द फुल व्यू, फुल 360 व्यू ऑफ भानगढ़ फोर्ट. नाउ दिस इज अरावली श्रृंखला. देखिए इस कमरे का टॉप कितना सुंदर है, देखिए ऊपर से, इट्स ब्यूटीफुल. पूरे नज़ारे लें आप, ये देखिए, ये देखिए, सी भानगढ़ फोर्ट. नाइस. काफ़ी टाइम से मैं आना चाहता था और आज आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे. देखिए किसी का कमरा है, शायद रानी का, जो सबसे ब्यूटीफुल थी और वो तांत्रिक, सो कॉल्ड तांत्रिक, उसे वहीं से देखता होगा और उस पर फिदा हो गया. क्या समझे आप? थोड़ा सा फोर्ट बचा है, ये भी घुमा देता हूँ. कहीं जाने का पैसेज वैसे है नहीं, अब लास्ट हो चुका है. ये टूटा फूटा ही है, लास्ट ही बचा है बस. देखिए आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, मुझे तो अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा. ये सीढ़ियाँ हैं शायद नीचे जाने के लिए और ये कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, मतलब फोर्ट के ऊपर जाने के लिए. बाकी हमारे ऊपर जाने में तो टाइम है अभी. देखिए अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर फोर्ट का आखिरी टॉप. इससे ऊपर फोर्ट ख़त्म हो चुका है, अब जो भी कुछ है सब कुछ नीचे ही है. आप अगर देख पा रहे होंगे तो वो वहाँ दूर इसकी बाउंड्री वॉल भी है जो कुछ इस तरीके से इसको कवर करती है. देखिए घूमने के शौकीन यहाँ बारिश में आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह लगेगी उनको, ये प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच है और आपको रियली पसंद आएगी. तो दोस्तों ये मेरा पहला व्लॉग था और मैं इसे यहीं ख़त्म करता हूँ. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और लेट्स एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ. बाय.